वेलकम टू गगन वर्चुअल क्लासरूम रूम ये वीडियो सेकेंड काउंसलिंग के रिलेटेड है फॉर एडमिशन टू क्लास अलेवेंथ इन चंडीगढ़ गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर द सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो जैसे कि डिपार्टमेंट ने सेकेंड काउंसलिंग अनाउंस कर दी है आपके पास टाइम है ट्वेल्थ सेप्टेम्बर से फिफ्टीन सेप्टेम्बर तक अप्लाई करने के लिए एंड हम वेट कर रहे थे लिस्ट ऑफ वेकेंसी जो डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी है वो जो लिंक है जहाँ पर हम अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं क्लास एलेवंथ में उसी लिंक में जाके ये लिस्ट ऑफ वेकेंसीट्स हम देख सकते हैं तो इसमें हमें वो सीट्स दिखाई देंगी कि किस स्कूल में कौन सी स्ट्रीम में कितनी सीट्स अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रेफरेंसेस एडिट कर पाएंगे बिकॉज तभी हमें पता लगेगा कि हम कौन से स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमें एडमिशन मिलने के चांसेस हैं तो अराउंड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड सीट्स जो है लगभग आपकी अभी वेकेंट पड़ी हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये पहले चेक करें कौन से स्कूल में कौन सी स्ट्रीम में सीट्स है उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें तो देखते हैं कि लिस्ट ऑफ सीट्स हम कैसे चेक कर सकते हैं लिस्ट ऑफ सीट्स देखने के लिए हम चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं यहाँ पर ये यह देखिए डेली सर्कुलर्स में रिगार्डिंग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है ये नोटिस है जो हम रीड कर चुके हैं ट्वेल्थ से फिफ्टीन सेप्टेम्बर तक आपके पास टाइम है एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए अब हम लिस्ट ऑफ सेकेंड सीट्स कैसे चेक करेंगे तो क्विक लिंक्स यहाँ पे देखिए ऑनलाइन लिंक फॉर एडमिशन टू क्लास एलेवेंथ यहाँ पर क्लिक करेंगे अगेन हमारे सामने ये देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा तो यहाँ पर अगेन इस पर हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन लिंक पर फिर हमारे सामने वो पेज खुल जाएगा जहाँ पर हमने अप्लाई करना है तो ये देखिए टॉप पे नोटिस है यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन है जहाँ पर आप अपने रोल नंबर अपना पासवर्ड फिल करके लॉगिन करेंगे अपनी प्रेफरेंसेस एडिट करेंगे तो ये देखिए सीट्स राउंड टू तो यहाँ पर हम वेकेंट सीट्स चेक कर सकते हैं तो हमारे सामने जो है वेकेंसित सीट्स की लिस्ट आ जाएगी और हम देख पाएंगे कि कौन से स्कूल में कितनी स्ट्रीम कौन सी स्ट्रीम में कितनी सीट्स वेकेंट पड़ी हैं तो ये देखिए ऐसी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यूटी स्कूल काउंसलिंग राउंड टू तो ये देखिए ऊपर टॉप में ये स्कूल नेम है जैसे जीएम ट्रिपल एस सेक्टर एट स्ट्रीम 151 ये कोड है स्ट्रीम नेम है साइंस तो साइंस में 28 सीट्स अवेलेबल हैं ऐसे ही हर एक स्कूल वाइज और स्ट्रीम वाइस आपको सीट्स मिल जाएंगी तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल आईटी वेब एंड सो आईटी एंड वेब में थ्री सीट्स अवेलेबल हैं जी जी एम ट्रिपल एस सेक्टर एटीन में तो ऐसे ही सारी ही लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड के अराउंड सीट्स अभी वेकेंट पड़ी हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ नाइन्टी एट सीट्स ये कौन सा स्कूल है जहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ की नाइन्टी एट सीट्स पड़ी हैं जी एम ट्रिपल एस मलोया तो ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पर काफ़ी सीट्स अभी वेकेंट पड़ी हैं अगेन एटी नाइन सीट्स इन ह्यूमैनिटीज़ जी ट्रिपल एस थर्टी एट वेस्ट तो आप जाकर अब अप्लाई कर सकते हैं इन सीट्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंसेस फ़िल कर सकते हैं तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन हम सबमिट कर सकते हैं 15 सितंबर 5 पीएम से पहले तो इसके पहले ही आपने सबमिट करनी है इसके अलावा अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज करनी है तो वो आप इस ई मेल पर सबमिट करवा सकते हैं सेवनटीन और एटीन सप्टेम्बर तक वन पी तक और ये एडमिशन ये ई मेल है एडमिशन एक्स आई यू टी एट जी मेल डॉट कॉम इस ई मेल आई डी पर आप ऑब्जेक्शन अपने रख सकते हैं अगर आपको किसी सीट जो है अलॉट होती है उसके लिए कुछ ऑब्जेक्शन है देन डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्कूल्स एंड स्ट्रीम्स ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर को फाइनल डिस्प्ले हो जाएगी लिस्ट आपकी ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद अगर वो वाकई में ही जेन्यन ऑब्जेक्शन हैं तो ट्वेल्व नून तक ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर को अलाटमेंट ऑफ स्कूल्स आपको लिस्ट दिखाई देगी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देन ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ फ़ी तो आपने ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर वन पी एम से लेकर ट्वेंटी थर्ड सप्टेंबर बारह बजे से पहले आपने अपनी फ़ी डिपॉजिट कर देनी है ताकि आपकी सीट सिक्योर हो जाए देन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ट्वेंटी थर्ड सेप्टेंबर से तो ये सारा प्रोसेस है एंड यहाँ पर आपने स्टूडेंट लॉगिन में जाकर अप्लाई करना है यहाँ पर आपने अपनी प्रेफ्रेंसेज एडिट करनी है जिन्होंने सेकेंड फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई किया था उनको फिर से सबमिट करना होगा फॉर्म बिकॉज तभी पता लगेगा कि आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये ज़रूरी है कि आप एडिट करें प्रेफरेंसेस और री सबमिट करें अपना फॉर्म एंड कैसे करना है आपने एडिट अपनी प्रेफरेंसेस वो एक और वीडियो में आपको बताया गया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ पर जाके वो चेक कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स